नमस्कार, मैं मेघा रात को स्वागत करती हूँ आपका 10 मिनट में। इस समय मैं मौजूद हूँ गौतम बुद्ध नगर के कलेक्ट्रेट के प्रांगण में नामांकन स्थल पर, जहाँ मेरे साथ हैं दार्ती 62 विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी तेजपाल नागर जी। आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप तो जी आपका बहुत धन्यवाद। मैं 5 साल विधायक रहा, 5 साल में मैंने हर एक क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में धरातल पर जाकर कार्य किया। कोई क्षेत्र मैंने नहीं छोड़ा जिसमें कार्य नहीं किया। यहाँ किसानों की समस्या थी, किसानों की बहुत सारी समस्याओं को हमने सुलझाया। किसानों की समस्या थी, नंबर एक उनके बच्चों को रोजगार मिले इन इंडस्ट्री में जो उनकी जमीन चली, मैंने उसमें 40% का रिजर्वेशन आरक्षण करा दिया है। एक बहुत बड़ी समस्या का सुधार हुआ है। 2011 में जब बहन जी की सरकार थी तो किसानों ने, अधिकारियों ने और नेताओं ने मिलकर एक आबादी नियमावली बनाई थी, लेकिन ना बसपा गवर्नमेंट में लागू हुई ना सपा गवर्नमेंट में लागू हुई, उसको हमने लागू कराया। दूसरा, किसानों की एक लीज बैक की समस्या बहुत समय से लंबित थी। लीज बैक को हमने आदेश कराया, लीज बैक होनी शुरू हो गई है, किसानों की समस्या को निपटाया। हमारी सरकार जब आई 2017 में, हालांकि बसपा और सपा की देन थी, उन्होंने बिल्डर बायर्स के लिए, जब उन सरकारों में बायर्स की बात नहीं सुनी जाती थी सपा बसपा में, तो हमने, हमारी सरकार ने, माननीय योगी जी ने बिल्डरों बायर्स की चिंता करते हुए रेरा बनाया, एक 3 वरिष्ठ मंत्रियों की एक समिति बनाई, जिसने ये फ्लैट मिले उनको, बायर्स को फ्लैट मिले उनको फ्लैट दिवाए। हमारी सरकार ने यहाँ बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की, FIR दर्ज की और जेल भेजी। अभी कुछ समस्या है जो रह रही है, उन समस्याओं को, जैसे रजिस्ट्री की समस्या है, कुछ हो गई है, कुछ रह रही है। हमारी प्राथमिकता होगी कि बायर्स की रजिस्ट्री, जो रजिस्ट्री रह गई उन रजिस्ट्रियों को कराना हमारी प्राथमिकता होगी। बच्चों को रोजगार दिलाना हमारी प्राथमिकता होगी और क्षेत्र के चौहमुखी विकास की हमारी प्राथमिकता होगी। जैसा कि अभी आपने बताया कि कुछ समस्या अभी भी रह गई है, तो अगर आप फिर से विजयी होते हैं, फिर से विजयी होते हैं, उन्हें हल करेंगे तो किस प्रकार से हल करेंगे? क्योंकि बातें तो आजकल सभी कर रहे हैं, लेकिन आपने अभी भी 5 सालों में कार्य किया है, उसके बारे में थोड़ा आगे मैं बताता हूँ। 2017 में विधायक बनने के बाद, जब मैं विधायक बनने का मौका जब आने को मिला, तो दादरी से ग्रेट नोएडा आने के लिए रास्ता नहीं था, क्योंकि ग्रेट नोएडा दादरी के बीच जो रोड थी उस पर ओवरब्रिज का निर्माण शुरू हो गया था। ओवरब्रिज का निर्माण शुरू होने का ना आवागमन बंद हो गया था। दादरी से ग्रेट नोएडा के लिए कोई रास्ता नहीं था। एक बाईपास बना बसपा सरकार में, जो तिलपता बाईपास, जो तिलपता कंटेनर से रूपबास बाईपास तक बन गया था, बाकी नहीं बन पाया। 1 किलोमीटर जीट रोड से नहीं जुड़ पाया था, उसके कारण आने जाने में बहुत परेशानी होती थी। मैंने हाईकोर्ट का स्टे था, 3 जज आ गए हाईकोर्ट से, वो दादरी और ग्रेट नोएडा के लिए ऐतिहासिक कार्य है, उसको मैंने निकलवाने का, NTPC जमीन दिखाया कि निकलवाने का कार्य कराया। ऐसे अन्य बहुत सारे विकास कार्य करे। 40% का कोटा जो मील का पत्थर साबित होगा दादरी विधानसभा के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, उसे कराया। और स्वास्थ्य विभाग में भी, ग्रेटर नोएडा में एक हॉस्पिटल थे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिसरक, उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया, ऑक्सीजन प्लांट लगवाए वहां पर, दादरी में भी लगवाया, वहां भी लगवाया, बिल्डर बायर्स की रोड थी उनको खत्म कराया। जो समस्या रह गई है इनसे संबंधित, अगले कार्यकाल में जिस तरह से इन समस्याओं को पहले हल कराया, अगले कार्यकाल में उनको हल कराया। तो ये थे हमारे साथ 62 दादरी विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी तेजपाल नागर, जो बोल रहे हैं कि इन्होंने पिछले 5 सालों में भी बहुत विकास कार्य किए हैं, अगर ये फिर से आते हैं तो फिर और जो बचे कुछ कार्य विकास के रह गए वो भी करेंगे। मैं मेघा राजपूत, कैमरामैन विनय कुमार श्रीवास्तव के साथ 10 मिनट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।